बाद नरसिंहपुर लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और वर्तमान सांसद राव उदय प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं। आपसे हम जानना चाहते हैं, बहुत सारे मतदाता नए जुड़ चुके हैं, आपके राजनीतिक करियर की शुरुआत कैसे हुई? स्वाभाविक रूप से हम लोग कॉलेज के दिनों में छात्र संघ की स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो होती थी उसके सहारे हम लोग सार्वजनिक जीवन में आए। कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा, उसके पहले स्कूल में प्रेसिडेंट रहा, फिर बहुत छोटी उम्र में 26-27 साल की उम्र में जनपद का अध्यक्ष बना मैं, उसके बाद विधायक बना। ये बड़ा लंबा सफ़र है जो 86 से चालू हुआ और 94 में इलेक्ट्रल पॉलिटिकल जो जनपद का चेयरमैन था उससे शुरुआत होकर आज 25 वर्ष बाद सांसद के रूप में इस क्षेत्र की सेवा कर रहा हूँ। वर्तमान में बहुत सारे युवा राजनीति में अपना करियर ही मानेंगे, करियर संवारने की सोच रहे हैं, आप परिवार और राजनीति में सामंजस्य स्थापित कैसे? राजनीति में करियर नहीं संवरता, राजनीति के माध्यम से व्यवस्था को संवारने का और आप जिस जो जिम्मेदारी मिली उस जिम्मेदारी के निर्वहन का दायित्व होता है। जो करियर संवारने वाली राजनीति बहुत बीते दिनों की कहानी हो गई और जो आज करियर संवारने की कोशिश कर रहे हैं उनका राजनीति में कोई स्थान नहीं है। राजनीति तो समाज को व्यवस्था को संवारने का एक उपक्रम है और मुझे लगता है आज का नौजवान जो पॉलिटिक्स में आ रहा है ये बहुत शुभ संकेत है। वो पढ़े लिखे काबिल नौजवानों को तो ज़्यादा मात्रा में इसमें आना चाहिए। इसके अंदर जो विसंगतियाँ हैं, कुरीतियाँ हैं, जो एक कुछ राजनेता अपने आचरण के कारण व्यवस्था को दूषित करते हैं, उस तरह के लोगों को बाहर करने का काम ये नौजवान करेंगे। मुझे लगता है ये एक अच्छी शुरुआत है। युवाओं में कौन से गुण होने चाहिए, क्योंकि राजनीति कहीं ना कहीं इसका कोई ट्रेनिंग स्कूल नहीं है, एक दूसरे से सीख के कभी गलत रास्ते पे भी चले जाते हैं, ऐसे कौन से गुण होने चाहिए? जैसे आप सरल हैं, सहज हैं, मिलनसार हैं, ऐसे कौन से गुण होने चाहिए? मुझे लगता है सार्वजनिक जीवन में आने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर कोई है तो वो संयम। आपका जो संयम है वो भी आपको आपका मार्ग प्रशस्त करता है और चीजों को अनुकूल बनाता है। और राजनीति में नौजवान आए इसके लिए कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम तो नहीं होता, लेकिन जो कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में पहले इलेक्शंस होते थे, छात्र संघ की जो राजनीति जो बंद हो गया इलेक्शंस, मुझे लगता है वो दोबारा चालू होना चाहिए। वो छात्र संघ की राजनीति ही इस देश में बड़े बड़े राजनेताओं को पैदा किया। छात्र संघ की राजनीति से ही राजनाथ जी इस देश में निकल कर आए, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, शरद यादव, नीतीश कुमार और सारे छात्र संघ की राजनीति से निकले हुए लोग हैं। मुझे लगता है वो एक आदर्श पाठशाला है। वर्तमान में आपके लोकसभा क्षेत्र में होशंगाबाद को आपके लिए बहुत ज्यादा मजबूत माना जा रहा है, वही नरसिंहपुर को कमजोर माना जा रहा है, आप क्या मानते हैं? पिछले बार भी ऐसे ही माना जा रहा था। हाँ, वहाँ भी 50,000 की विधानसभा जीते थे, परिणाम फिर 23 मई इस बात का गवाह बनेगी। जहाँ मैं पैदा हुआ, पला बड़ा, जन्मा, उस जगह अगर कमजोर रहेगी तो ये मेरे लिए दिक्कत की बात है। विधानसभाओं के परिणामों को लेकर अगर हम आकलन करेंगे तो ये सही आकलन नहीं होगा, क्योंकि जो 2 लाख की कर्ज माफी है, नरसिंहपुर जिला हमारा दलहन उत्पादक जिला है और दाल और चना मसूर के दामों की कमी और किसानों की कर्ज माफी की घोषणा, इन 2 चीजों ने किसान को प्रेरित किया, उसे एक बार कांग्रेस के पक्ष में जाना चाहिए। और मैं ऐसे कई भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं को जानता हूँ जो परंपरागत रूप से भाजपा के मतदाता थे, उन्होंने भी कर्ज माफी के नाम पर कांग्रेस को वोट किया है। लेकिन कांग्रेस ने कर्ज माफ न करके जो एक कहना चाहिए एक अपराध किया है, सार्वजनिक जीवन जनता को किसानों को धोखा देने का काम किया है, वही जनता अब सबक भी सिखाने वाली। आपका विरोध भी हुआ था, आप विरोधियों को कैसे लेते हैं? मतलब नहीं, कोई विरोध मेरे जानकारी में कोई विरोध नहीं। जिस दिन विरोध होना चालू हो जाएगा मुझे लगता है उस दिन सार्वजनिक जीवन से मुझे वापस जाकर अपने खुद के कामकाज देखने का एक वो अवसर होगा। वो मध्य प्रदेश में कितनी सीटें भाजपा की? मुझे लगता है कि इस बार जो परिस्थितियां हैं, किसान आंदोलित है, किसान के साथ जो छलावा हुआ है, नौजवान को जो बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पर मवेशियों को चरवाने की बात चल रही है, बिजली की जो बिजली बिल हाफ करने की जगह बिजली ही हाफ कर दी है, ये सारी परिस्थितियां मुझे 29 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आती हुई दिखाई दे रही है। पूरे भारत में स्वाभाविक रूप से पूर्व बहुमत की सरकार बनेगी और पिछले बार के मुकाबले बेहतर परिणाम आएंगे, वो 300 के आसपास हमारी सीटें देश में होंगी। अभी पूरे भारत में एक सीट पर नजर है, दिग्विजय सिंह और साध्वी प्रज्ञा, आप क्या जानते हैं, मतलब क्या सोचते हैं कि साध्वी प्रज्ञा का असर पूरे प्रदेश में होगा? नहीं, मैं ये मानता हूँ कि हर संसदीय क्षेत्र की अपनी परिस्थितियाँ होती हैं।
मेरे यहाँ की परिस्थितियाँ यहाँ की तरह की होती, भोपाल की परिस्थितियाँ भोपाल की तरह की, एक दूसरे क्षेत्र को नहीं मान सकते। केवल राष्ट्रीय मुद्दा एक होता है, इस समय राष्ट्रीय मुद्दा है राष्ट्रवाद और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार। उन्होंने जो पिछले दिनों काम किए हैं पूरे राष्ट्र में समान रूप से लोग उसको पसंद कर रहे हैं, वो एक हमारा मजबूत आधार है समान रूप से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की मजबूती का। 2019 में आपकी सरकार बनती है, आप सांसद बनते हैं, तो लोकसभा क्षेत्र में तीन ऐसे काम जो आप प्रायोरिटी से कराना चाहेंगे? नहीं, एक हमारा जो नेशनल हाईवे घोषित हुआ है नरसिंहपुर करेली होकर पिपरिया और शिवनी मालवा, प्राथमिकता के आधार पर 4 लेन सड़क तैयार हो, मेडिकल एजुकेशन मेडिकल फैसिलिटी, ये हमारी एक बड़ी पुरानी मांग है, मैंने प्रयास भी किया है और मुझे लगता है कि एक मेडिकल कॉलेज होशंगाबाद हमारा जो डिविजन हेडक्वार्टर है उसमें मिलना चाहिए, ये प्रायोरिटी है। और दूसरा, जो वर्तमान युग में पानी का संकट आ रहा है, लगातार जो भूमि के अंदर का जल स्तर जो गिर रहा है, कहीं ना कहीं उसमें लोगों को मोटिवेट करने की और ऐसे उपक्रम तैयार करने की, छोटे तालाब हैं, स्टॉप डैम है, छोटे छोटे नदियों में स्टॉप डैम बनाना है जिससे पानी रोककर हम भू जल स्तर को ठीक कर सकें, क्योंकि जल स्तर गिरेगा जीवन यापन कठिन होगा, जल स्तर को उठाना हमारे लिए चुनौती है और उस पर काम करने की आवश्यकता है। मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, आपको वोट देकर क्यों जिताएं? स्वाभाविक रूप से हमने जो सेवा की है पिछले 5 सालों में, 2.25 लाख वो गरीब जिनके भवन बनाने का हमने काम किया है, 2.25 लाख महिलाएं जिनको हम लोगों ने जिला गैस के सिलेंडर चूल्हे कनेक्शन भेजने का काम किया, गांव-गांव जो सड़कें बनी हैं, आईटीआई सेंटर्स बने हैं, हॉस्पिटल्स का हमने अपग्रेडेशन कराया है, स्कूल्स का अपग्रेडेशन कराया है, बिजली की व्यवस्थाएं हमने दी हैं, अटल ज्योति योजना के तहत बेहतर काम हुए हैं और इरीगेशन स्कीम्स, हम जो लोग होशंगाबाद जिले में नहरों की लाइनिंग का एक बड़ा काम हुआ है, रेलवे के सेक्टर में रेल ओवर ब्रिज स्टेशन का उन्नयन, नई ट्रेन का चलवाना, ट्रेन के स्टॉपेजेस, एक हमारी जर्मन तकनीक से लिफ्ट इरिगेशन की बड़ी स्कीम 1500 करोड़ की जो 3 विधानसभाओं को छूती है, नरसिंहपुर तेंदुखड़ा उदयपुरा, ये ऐसे काम हैं जो जिनके आधार पर हम लोगों से आग्रह कर रहे हैं और लोगों का अपार जन समर्थन और लोगों का बहुत स्नेह भी मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने व्यस्त समय में से हमारे लिए समय निकाला। थैंक यू।